दोस्तों आईएएस भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सीरियल प्रारंभ कर रहे हैं, हम हो गए कामयाब। और आज का हमारा सब्जेक्ट है यूपीएससी, पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सफलता का मंत्र। दोस्तों आज हम वही बताने जा रहे हैं जो आप चाहते हैं, शीघ्र सफलता, शीघ्र उन्नति, शीघ्र प्रगति, ऐसो आराम, दौलत, शोहरत, पद, रुतबा, चोटी पर पहुंचने की ख्वाहिश। आप ही भर नहीं, दुनिया के लगभग 99% लोग ऐसा ही चाहते हैं। शीघ्र सफलता, शीघ्र उन्नति, शीघ्र प्रगति, ऐसो आराम, दौलत, शोहरत, पद, रुतबा, चोटी पर पहुंचने की ख्वाहिश आप भी यही चाहते हैं। चाहते हैं ना, बोलिए हाँ। मैं जानता हूँ बिल्कुल चाहते हैं आप। आप क्या नहीं चाहते मैं वह भी जानता हूँ। यही ना कि मेहनत कुछ भी ना करना पड़े और रसमलाई आपके मुंह में यूं ही टपक पड़े, हमेशा मनमाना खाने को मिलता रहे, मनमाना सोने को मिलता रहे, मनमाना कपड़े पहनने को मिलते रहे, मनमाना घूमने को मिलता रहे, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएँ आपको यूं ही मिलती रहें। यही चाहते हैं आप ना। दोस्तों आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कोई सामान मांगते हैं, पर क्या वह आपको फ्री में कोई भी वस्तु देता है? नहीं ना, इसके बदले वह आपसे वस्तु की कीमत लेता है। दोस्तों एक फार्मूला है, आप जीवन के लिए नोट कर लीजिए। कोई भी चीज बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में मिलने वाली नहीं है। प्रकृति भी बिना कीमत चुकाए आपको कुछ देने वाली नहीं है। यानी आपको भी अपनी मंजिल या सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता का कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यानी तय यह हुआ कि यदि आप सफलता की कीमत चुकाएंगे तो सफलता आपको मिलेगी। एक बात और यह कि आप यह मान लें कि आप मेहनत अच्छा कर लेते हैं तो आप प्लस पॉइंट में हैं, बिल्कुल हैं। जो व्यक्ति मेहनती है वह बिल्कुल प्लस पॉइंट में है। पर दोस्तों आज की भीड़ में, आज की प्रतियोगिता में केवल और केवल श्रम के बल पर सफलता मिलना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे टैलेंटर और मेहनत करने वालों की लाइन लगी हुई है। आपको सफलता तभी मिल पाएगी जब आप अपने दम पर लाखों मेहनती और टैलेंटेड प्रतियोगियों की लाइन में अपने आप को आगे ले आएंगे। और यह होगा कैसे, है कोई उपाय? बताइए बताइए। अच्छा मैं ही बताई देता हूँ। दोस्तों इसके लिए एक मंत्र है जिसे आप सभी बड़ी बेताबी से जानना चाहते हैं। इस मंत्र को आप ही नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो बताया जाए मंत्र? बिल्कुल। दोस्तों इस मंत्र को याद कर लेना या अपनी कॉपी में लिखकर रट लेना, आपके जीवन में बहुत सफलता दिलाएगी यह मंत्र। दोस्तों बड़ी उत्सुकता होगी आप में कि क्या कोई ऐसा भी मंत्र है जो आपको रातों रात सफलता दिला सके। बिल्कुल है, याद रखिए, लिखिए। आप मंत्र मैं आपको बताई देता हूँ, याद कर लीजिए, चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए यह मंत्र। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम लक्षाय नियोजनाय पालनाय फलीभूताय फट फट स्वाहा। और एक बार सुन लीजिए, ओम ह्रीम क्लीम लक्षाय नियोजनाय पालनाय फलीभूताय फट फट स्वाहा। लिख लिया? कोई बात नहीं, आराम से लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से बोले देता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम लक्षाय नियोजनाय पालनाय फलीभूताय फट फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा और रोज स्नान ध्यान करके सुखासन में बैठकर बीच माथे पर ध्यान केंद्रित करके 21 बार जप कर लीजिए, या न हो सके तो केवल 7 बार जाप कर लीजिए। कुछ ही दिनों के जाप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगा है। लगातार जाप करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी सफलता के शौर्य से लोगों को चमत्कृत कर रहे हैं। पर दोस्तों
एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यह मंत्र जो कह रहा है उसे आपको कार्य रूप में परिणत करना होगा, तभी यह फलीभूत होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, नियम के पालन में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। आइए इस मंत्र की समीक्षा कर लेते हैं। मंत्र क्या कह रहा है? ओम ह्रीम क्लीम का मतलब हुआ ईश्वर या अपने इष्ट देव या देवी का नाम लेकर लक्ष्याय यानी लक्ष्य बनाइए, नियोजनाय यानी लक्ष्य प्राप्ति कैसे की जा सकती है इसके लिए बहुत बुद्धिमानी के साथ योजना बनाइए, नियोजनाय यानी लक्ष्य प्राप्ति कैसे की जा सकती है इसके लिए बहुत बुद्धिमानी के साथ योजना बनाइए, पालनाय यानी योजना जैसा बनाया गया है उसका कठोरता से पालन कीजिए। आगे फलीभूत आए यानी यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगा, फलीभूत होगा यानी आप सफल होंगे। ठीक है ना? बाकी मंत्र जप लेने भर से चमत्कार नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों, आज की दुनिया का हर व्यक्ति अपनी प्रगति चाहता है, सफलता चाहता है, पर दोस्तों यदि हम आकलन करें कि प्रति 100 प्रतियोगियों में से सही रूप से तैयारी कितने लोग करते हैं तो हमको मिलेगा सिर्फ 1-2% लोग, 1-2% लोग ही सही रूप में तैयारी कर पाते हैं। माफ कीजिएगा, आप में से भी शायद 1-2% प्रतियोगी अपनी तैयारी के प्रति सीरियस होंगे। भाई साहब, सिर्फ रात रात भर दिन दिन भर पढ़ते लिखते रहना ही तैयारी नहीं कहलाती है। सही तैयारी वह कहलाती है जो नियोजनपूर्ण हो, संतुलित हो, जरूरत के मुताबिक हो, एकदम आपकी परीक्षा के मुताबिक तैयारी होनी चाहिए। पर क्या आप अपने आप में यह मान रहे हैं कि आप बिल्कुल संतुलित और नियोजनपूर्ण तैयारी कर रहे हैं? अपने अंदर झांक कर अपना परीक्षण कीजिए, सच्चे दिल से परीक्षण कीजिए। दोस्तों, मैं जीवन भर विद्यार्थियों और प्रतियोगियों के बीच रहा हूँ, उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। नंबर 1, एक बात तो यह है कि अधिकांश प्रतियोगी अकर्मण्य हैं, वे पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं हैं, उनके योजना टेक्निक जैसी बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। उनके मन में बस एक बात होती है कि चलो 2-4 साल देख लेते हैं, क्या पता कहीं लग काम कर जाए। ऐसे लोग जब फार्म अप्लाई कर देते हैं तभी से कोई गाइड आदि खरीद कर कुछ पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देते हैं, और यदि आदमी बहुत दृढ़ किस्म का है तो 4-5 साल तक परीक्षाएं देता रहता है, अन्यथा 1-2 साल में ही प्रतियोगिता जगत से नाता रिश्ता तोड़कर किराने की दुकान खोलने चला जाता है। किराने में ज़्यादा नहीं, बस 2 पैकेट बिस्किट, 2 पैकेट नमकीन, कुछ मीठी गोलियाँ, बच्चों वाली और थोड़ा बहुत कुछ जीरा धना आदि रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं। परंतु ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग इन कार्यों में भी ज्यादा सफल नहीं होते, क्योंकि सफलता असफलता कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके शरीर से ही पैदा होती है। सफलता सचमुच में आपके आचरण और दिनचर्या का प्रतिफल होता है। नंबर 2, प्रतियोगी मेहनत करते हैं, बहुत से प्रतियोगी मेहनत करते हैं परंतु उनका कार्य संतुलित और नियोजित नहीं होता, इसलिए उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि वे बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, चार पाँच बार पुस्तकों को पढ़ डालते हैं, परंतु जब वे परीक्षा में बैठते हैं तो वे पूरे पुस्तक को ही प्रश्नों के उत्तर देने में उतारने में लग जाते हैं तो वे पूरे पुस्तक को ही प्रश्नों के उत्तर देने में उतार देना चाहते हैं। ऐसे प्रतियोगी ज़्यादा से ज़्यादा आधे प्रश्नों का उत्तर ही दे पाते हैं कि समय समाप्त हो जाता है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वे दे भी नहीं पाते क्योंकि उनसे प्रश्नों के उत्तर बन ही नहीं पाते। इतना ही नहीं, उनके किसी भी कार्य में नियोजन नहीं होता और यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण होता है। तीसरे प्रतियोगी अपने लक्ष्य के प्रति सचमुच में बहुत सीरियस होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रत्येक कार्य नियोजित और संतुलित होते हैं, ऐसे लोग सफल होते हैं। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यदि आपकी कैटेगरी ठीक नहीं है
तो जरा ध्यान दीजिए और रास्ते पर आ जाइए। दोस्तों, आज यूपीएससी, पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यूं ही सफलता प्राप्त कर लेना संभव नहीं रह गया है, यह तो आप मानकर ही चलिए। हालांकि हर प्रतियोगी अपने आप में यह मानता है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए सारे टेक्निक जानता है, परंतु हमारा कहना है कि यह सोचना उसका भ्रम मात्र है। यदि यह सच होता तो अपने आप को बहुत योग्य मानने वाले बहुत सारे प्रतियोगी 4-5 साल प्रतियोगी परीक्षाएं देने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का दामन छोड़कर चाट का दुकान क्यों खोलकर बैठ जाते। उनका यह सोचना उस समय कहाँ चला जाता है जब वे पान का ठेला खोलकर या किराने की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उन प्रतियोगियों को कह सकते हैं कि वे सफलता के सारे टेक्निक जानते हैं जो सिर्फ एक बार परीक्षा में बैठते हैं और आईएएस की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत सारी जटिलताएं व बारीकियां ऐसी होती हैं जिन्हें कोई आम व्यक्ति या प्रतियोगी जान ही नहीं पाता, और यही कारण है कि वह सालों साल अथक परिश्रम करते रहने के बावजूद भी लगातार असफल होता रहता है, और यह कहकर कि आईएएस बनना तो उसके भाग में लिखा ही नहीं है, अंततः इन परीक्षाओं से संन्यास ले लेता है। अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अपितु हम एक टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं, आप अपने आप में चिंतन कीजिए। आप सैकड़ों की संख्या में हैं, आप में से भला उत्तर पुस्तिका चेक करते समय परीक्षक के मनोविज्ञान कैसे होते हैं के विषय में कितने प्रतियोगी बारीकी से जानते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही कम प्रतियोगी इस विषय में गहराई से जानकारी रखते होंगे। उत्तर पुस्तिका चेक करते समय परीक्षक के मनोविज्ञान, इसी पर तो आपके जीवन के बनने बिगड़ने की सारी बात छिपी हुई होती है। यदि आपकी उत्तर पुस्तिका देखकर परीक्षक के मनोविज्ञान आपके प्रति अच्छे बन गए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और इसी के बदौलत आप एक आईएएस बन सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से ढेर सारी बातें होती हैं, ढेर सारी बारीकियां होती हैं जिन्हें एक आम प्रतियोगी नहीं जान पाता, जिनकी आपको ज़रूरत है। हम लगातार ऐसी ही बारीकियों वाली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे जिन पर आपकी सफलता व असफलता निर्भर करेगी। आप लगातार देखते रहिए आईएएस भारतवर्ष का हम होंगे कामयाब सीरियल। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।